हेलो दोस्तों, एक समाचार में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की खबरें देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल एक समाचार को सब्सक्राइब कीजिए। बेल के बटन को दबाकर हमारी नई नई खबरें देखने के लिए देखते रहे एक समाचार। धन्यवाद। कोरोना के लॉकडाउन में 40 दिन तक 20,000 लोगों को निःशुल्क खाने के पैकेट बांटने वाले राम रसोड़ा भोजनशाला का सोमवार 4 मई को हुआ समापन। सागवाड़ा में लॉकडाउन के दौरान संचालित राम रसोड़ा भोजनशाला द्वारा 4 मई तक 20,000 भोजन के पैकेट बांटे गए, जिसमें समाज सेवी मधुसूदन संचावत, वीरेंद्र कुमार गोवाड़िया, शेख राजू भाई बर्तनवाला एवं हेमंत जैन ने भामा शाहो के जिन सहयोग से इसका संचालन किया। उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी के आदेश के अनुसार सागवाड़ा उपखंड में कोई भी परिवार कोरोना के लॉकडाउन के दौरान भूखा ना सोए, इसी उद्देश्य से राम रसोड़ा भोजनशाला शुरू की गई, जिसके अंतर्गत टामटिया चेक पोस्ट से लगाकर सभी पैदल प्रवासी श्रमिकों के लिए गर्म भोजन की व्यवस्था की गई। सोमवार 4 मई से लॉकडाउन में ढील के कारण इसका समापन किया गया, जिसके अंतर्गत उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी, डिप्टी निरंजन चारण, कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश खोर्निया एवं समाज सेवी नरेंद्र खोर्निया ने सभी निशुल्क खाना बनाने वाले कुट का पगड़ी पहना कर सम्मान किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी ने राम रसोड़ा भोजनशाला के मधुसूदन जी संचावत का पुष्प पगड़ी पहना कर सम्मान करते हुए कहा कि जब से कोरोना वायरस का लॉकडाउन चल रहा है, तभी से मधुसूदन जी संचावत के द्वारा राम रसोड़ा भोजनशाला का उपयुक्त तरीके से संचालन किया जा रहा है। जहां कहीं भी भोजन की आवश्यकता हुई, मधुसूदन जी के द्वारा तुरंत ही वहां भोजन उपलब्ध कराया गया। समापन के अवसर पर कमलेश भासरिया, नीलेश शाह, कुणाल सेवक, रामकृष्ण वाडेल, संजय गुप्ता, दिलीप कोठारी, सुरेश सेवक, अरविंद, संजय गोपाल, संजू, अंशु आदि सदस्य उपस्थित थे। समापन के अवसर पर हमारे उपखंड अधिकारी राजू जी, डिप्टी साहब और जिलाध्यक्ष कांग्रेस दिनेश जी खोडनिया के हाथों से हमारे ये जो योद्धा जिन्होंने आज सेवा दी है, इनकी सेवाओं को देखते हुए इनका सम्मान, निशुल्क सेवा दी है, पैसा कोई नहीं ले रही है। 40 दिन तक जो सेवा करी, इसके लिए हमारे ये कुक आज बड़ा हर्ष का विषय है। लॉकडाउन चल रहा है, सभी अपने घरों में है, घर तक खाने के पैकेट पहुंचाने का कार्य किया है हमारे समाज सेवी वीरेंद्र जी गौरिया के हाथों से। चलो पहला ये हमारे छह जनों की हमकी सेवा में भी अच्छी खुश मैम। दूसरी कड़ी में मधु भाई भाई के मधु भाई, अभी तक कितने पैकेट वितरण किए आपने? 20,000 के करीब पैकेट वितरण किए सब। इसी कड़ी में आगे की कड़ी में उपखंड अधिकारी साहब हमारे दो शब्द जो प्रकट करेंगे। जैसे संकट की उस समय में जो कार्य मधु संतावत और उनकी टीम पूरी जो भोजनशाला जिन्होंने चलाई, रसोई हमारे हैं और जो जो भी हाथ भामाशाह के रूप में इस कार्य को करने के लिए इनके साथ में आए हैं, वे सभी बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और ये बहुत ही पुण्य कार्य इन्होंने किया है। ऐसे संकट की घड़ी में किसी को भूखा नहीं सोने देना, ये इनका प्रण था। मैं कहता हूँ कि ये इनकी जिद थी मधु संचावत की, और बस ये जिद की वजह से ही जो है वो इस कार्य को कर पाए। वरना जब पहली बार मैं इनसे मिला था तो मुझे लग रहा था कि कैसे ही कर पाएंगे, कैसे चला पाएंगे, उन्होंने बताया था। लेकिन जैसा बता रहे हैं कि 40 दिन तक इन्होंने इस कार्य को किया और 20,000 फूड पैकेट जो अब तक ये बांट चुके हैं,
तो ये जो है वो ईश्वरीय कृपा के बिना जो संभव नहीं था, जो इनके साथ में और प्रशासन का इन्होंने जो सहयोग किया उसके लिए मैं प्रशासन की तरफ से भी पूरा जो है उनको धन्यवाद देता हूँ। और हम हमारी ओर से भी जब भी मधु जी को हमारी कोई प्रशासन की सहयोग की आवश्यकता होगी, हम भी हमेशा इनके लिए तैयार हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि इसी प्रकार का पुण्य कार्य अभी भी, क्योंकि अभी हमारा ये जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण का दौर है वो अभी चुका नहीं है, अभी जारी है और आगे अभी हमको काफ़ी लंबा आगे जाना है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये आगे भी इस कार्य को जो है वो लोगों के सहयोग से करते रहें। धन्यवाद। कोरोना महामारी में हमारे मधु भाई, हमारे वीरेंद्र भाई गोवाड़िया और रामकृष्ण जी वाडेल और इनकी सारी टीम ने जितने हमारे नगर के अंदर जिनको भोजन की आवश्यकता थी उन सबके भोजन की बहुत शानदार व्यवस्था की, पूर्ण काम मधु भाई और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये आपका जो पुण्य का काम है वो निश्चित रूप से सागवड़ा की जनता याद रखेगी और इस काम के अंदर हमारा प्रशासन कभी भी आपकी पूरी टीम को जरूरत पड़े पूरा प्रशासन सरकार आपके साथ है। धन्यवाद। राम रसोड़ा जो सदा संचालक और जिस तरीके से इन लोगों ने आम लोगों की सेवा की है वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। प्रशासन से भी एसडीओ साहब ने भी जो बात बताई वो बिल्कुल सही बात है। जब जब भी हमें भी अचानक मान लो कोई लोग अगर मान लो जा रहे थे, हमें लगा कि वही लोग भूखे हैं, उन लोगों को मधु जी को कहा भाई मधु जी इतने पहले पैकेट खाने के लिए उपलब्ध कराने, तो मधु जी ने तुरंत उनको उपलब्ध करा और हमारा किस प्रशासन का भी सहयोग किया। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ तथा ये कहता हूँ कि जब भी मधु जी को हमारे प्रशासन की तरफ से भी कोई सहायता की जरूरत पड़े तो जरूर बताया, हम अवश्य मदद करेंगे। और अब जो ये सब टाइम है जो कोरोना वायरस को संक्रमण वाला जो टाइम है ये लंबा चलेगा, हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो आशा करता हूँ आप हमेशा आगे भी आके भी आप मदद करेंगे। धन्यवाद। ये हमारे योद्धा आपके सामने है जो राम रसोड़ा चला रहे थे, अपने 40 दिन की सेवा का आज समापन हमारे उपखंड अधिकारी राजीव जी द्विवेदी, डिप्टी साहब नीरंजन जी चारण और कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश जी खोडेनिया, नरेंद्र जी खोडेनिया के हाथों से इनका आज सम्मान हुआ। ऐसे हमारे योद्धा आपके सामने हैं जिन्होंने अपनी सेवा निःशुल्क दी और समाज सेवी हमारा आपके सामने है गौड़िया साहब। हमारे योद्धाओं का, मधुसूदन जी योद्धाओं का हमारा एक स्वागत समारोह आपने रखा और सबका सब स्वागत किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए कितना पैकेट वितरण किया और आपको ये जब समापन हो रहा तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी तक मैं 20,000 पैकेट फूड पैकेट वितरण कर चुका हूँ और ये समापन की घड़ी में मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। प्रशासन को जब जब भी मेरी सहयोगी में मैं सहयोग देने के लिए तैयार हूँ और मेरे कार्यकर्ता भी सभी तैयार हैं प्रशासन के सहयोग देने के लिए। मैं उन सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत। कब से चालू किया था आपने और कितने पैकेट आज तक वितरण किए? ये 23 मार्च से चालू किया था, अभी तक हमने बंद नहीं किया, 40 दिन तक चला, कम से कम हमने 30,000 टिफिन हमने दे दिए। और 2 मिनट पहले आपको बोल रहा था, हमने ये मधुसूदन भाई का उनका जो जागरूकता था उत्साह था उसके साथ हम उसके साथ जुड़े और ये काम उनके ही आधार पर हुआ है, वरना होना मुश्किल था। धन्यवाद। हेमंत भाई, ये हमारे राम रसोड़ा चला 40 दिन तक और हमने 350 से 400 पैकेट पर डे बांटे और हमने गरीब लोगों की सेवा की है और हमारा काम था, हमने भर निभाया, तन मन धन से सेवा की है और हमने निभाया।